हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप ऑलरेडी समझ गए हैं वीडियो के टाइटल से कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वाहियात प्रोडक्ट्स की जो बहुत ही बेकार हैं, मतलब दे आर नॉट एट ऑल वर्थ। कुछ एक स्टुपिडिटी मैंने भी करी है उन चीज़ों को लेके, और मैं आप सामने शेयर करने वाली हूँ मेरे रिग्रेट्स ऑफ 2017 स्किन केयर को लेके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अब देख लेना वीडियो आपको पसंद आएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के बारे में नोटिफाइड रह पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने पैसे की बर्बादी करी और जिंदगी की झंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पूजनीय बाबा रामदेव जी के कुछ उत्पादों के बारे में। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक ले रखे हैं, अच्छे भी हैं, देखा जाए तो अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें भी हैं जो शायद खरीदना ना खरीदना एक ही बात है, पैसा वेस्ट होगा। उसमें सबसे पहले आता है ये पतंजलि का एप्रिकॉट फेस स्क्रब। नाउ ये फेस स्क्रब ऑयली स्किन वालों के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये है क्रीम बेस्ड स्क्रब जो ऑब्वियसली वो प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये मेरी है ड्राई स्किन, मैंने मैंने तो इच्छा से लिया था, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन से, लेकिन इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो काम ख़राब कर देते हैं, ये आपकी स्किन को अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे अगर आपने ज़रा सा भी प्रेशर और डाला तो ये ज़रा भी अच्छा नहीं है। है अफोर्डेबल, लेकिन आप अपनी स्किन को हार्म थोड़ी करोगे पैसे देके, है ना। तो सबसे पहली मेरे पास है वो है जोवीस का स्किन टोनर, क्यूक्यूम्बर है ये, और ये आपकी स्किन को करता है रिफ्रेशेस एंड क्लेंजेस। इसका जो प्राइस है वो है 185 रुपीज़ फॉर 200 ml। मतलब देखा जाए तो अफोर्डेबल भी नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन सबसे बेकार बात, लेट मी शो इट टू यू, इसको आप हल्का सा शेक करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे फोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब, फोम कहाँ से आ रहा है? आप तो टोनर है, फेस वॉश थोड़ी है। अगर आपका ये बॉटल इतना भी रहेगा ना, तो भी आपका ये पूरा वाइन ग्लास में नहीं भर जाता है, अपना फोम भर जाता है पूरा, वैसा भर जाएगा। तो ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है इसमें जो आपने इस तरीके से मिला रखा है? मैंने पढ़ने की भी कोशिश करी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, और उसके दोनों के दोनों ही बेकार हैं। मेरे पास इसका रोज़ वाला भी था, वाहियात, मतलब ज़रा भी अच्छे नहीं है। छोटी वाली ली थी मैंने, रोज़ वाली, और उसको मैं फेंक के और उसकी बॉटल को किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ, देख लो, मतलब इतना घटिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोटस हर्बल्स के सेफ सन की, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सन ब्लॉक क्रीम। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, मेरे लफ्ज़ों पे, मैं क्रीम की बात कर रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही हूँ मैट लुक की, क्योंकि मैट लुक मुझे बेहद पसंद है। लेकिन अगर हम क्रीम की बात करें, नहीं है ये फॉर्मूला ऐसा है, ये आपकी स्किन पे एक वैक्स होती है उसकी तरह चिपक जाता है, वाइट कर देगा आपके फेस को, बहुत अजीब सा, मतलब वाइट कास्ट बना देता है आपके फेस पे। दिस इज़ नॉट समथिंग जो मुझे नहीं समझ में आया, ये वाली चीज़ डेफिनेटली नॉट गुड बाय। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ वो है ये फोशिया की अरेबियन जैस्मिन एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ये कुछ इस तरीके की है, इसका जो बॉटल है, ये जो टिन है, ये टूट गया है ऑलरेडी, फ्रोस्टेड था स्टिल टूट गया है। इसकी अगर स्मेल की बात करें, कम ऑन, काम खराब पूरा, मैं तो ले भी नहीं सकती, मतलब गोबर होता है ना प्रॉपर, बिल्कुल वैसी स्मेल है इसकी, कम ऑन, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसी क्रीम। एंड ओके, लेट मी टेल यू द बेस्ट थिंग, ओके लेट मी टेल यू इवन द वर्स्ट थिंग, कि इसका जो प्राइस है वो है 675 रुपीज़। ये कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिली थी मुझे, एंड इतनी डिजास्टर क्रीम है ना ये, मतलब आई कांट इवन टेल यू। आई एक्चुअली गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ दिस क्रीम, ताकि आप इसको खरीदें नहीं, और इसकी जो मदहोशी वाली जो स्मेल है उससे आप ज़्यादा मदहोश ना हो, है ना। तो ये वाली एक चीज़ है। नेक्स्ट मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है ये पतंजलि की ब्यूटी क्रीम। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे आप नहीं बोल सकते, और उन्हीं में से एक ये भी है। इसका जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़, अगेन अफोर्डेबल है, लेकिन 70 रुपये भी कोई क्यों वेस्ट करेगा जब प्रोडक्ट में दम नहीं है, वो कुछ काम नहीं करता। इसकी स्मेल इतनी भयंकर है ना, मतलब वीक और टर्मरिक की लोगों को स्मेल पसंद नहीं आती, पता नहीं वो इसको कैसे बर्दाश्त करते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। तो डेफिनेटली नॉट समथिंग जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, कुछ नहीं करता है, इट्स गुड फॉर नथिंग। सो ये वाली एक चीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें पतंजलि की, कुछ एक सीरीज आई थी सौंदर्य करके, उसमें है ये पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश। नाउ ये एक हद तक ठीक है ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए, लेकिन
मैंने इस पे एक सेपरेट रिव्यू भी किया हुआ है, मैंने उस पर बोला हुआ है कि ये आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है ना आपके फेस का, वो निकाल देता है। और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि आपके जो फेशियल ऑयल होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी स्किन को, वो सारे कोई निकाल दे और फिर आप उसको दोबारा से मॉइस्चराइज करो। तो ये डबल डबल मेहनत कोई पसंद नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़्यादा यू नो एक्स्ट्रा डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को, जितनी की ज़रूरत नहीं होती है डेली बेसिस पे। तो डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द प्राइस जो कि है 90 रुपीज़। कम ऑन, इतना तो बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉशेज मिल जाएंगे। सिमिलरली उनका ये जो बॉडी लोशन है, इस पर भी मैंने एक सेपरेट रिव्यू किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने यही चीज़ बोली थी, अगर आप कोई लोशन बाय करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हो, कोई ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इससे रिप्लेस मत करना, इट इज़ गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं करता है। एंड सौंदर्य, व्हाट डज दैट मीन, फेयरनेस, कुछ नहीं करता ये, फेयरनेस के नाम पे धोखा है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ इस लिप बाम की। नाउ इसको देख के आपको लग रहा होगा EOS का ड्यूप है ऑफकोर्स, लेकिन ये ब्लू हेवन का भी नहीं है, ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। जब मैंने इसको बाय किया था इनिशियली आई लव्ड दिस थिंग बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैट यू नो लिप बाम है ये। आप इसको लिपस्टिक के अंडरनीथ वेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको एज एन इंडिविजुअली अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, इट इज़ नॉट दैट यू नो हाईली मॉइस्चराइजिंग ऑन योर लिप्स। मैंने इसको एक आध वीडियो में यूज़ भी किया हुआ है आई गेस, बट नॉट समथिंग जो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। मच इनफैक्ट एक्सपेंसिव भी है, 195 रुपीज़ का आया था। इससे बेटर आपको निव्या के मिल जाएंगे, निव्या लिप बाम्स आर लाइक माई फेवरेट। आपको 40 रुपीज़ वाले में भी मैक्सिमम मॉइस्चराइजेशन मिलेगा, जितना आपको उसका 4 टाइम्स पे करके इसमें नहीं मिलेगा। सो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लिप बाम पे ही बात करें तो मैं इसकी बात करूँगी, ये है ADS का वाओ पील ऑफ लिप बाम, डिजास्टर। मुझे एक बात बताओ, 90 रुपीज़ है इसका प्राइस, 100 रुपीज़ है इनफैक्ट, कौन पे करेगा इतना इतनी सी ट्यूब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको अप्लाई करना होता है जस्ट लाइक अ लिपस्टिक, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 5 to 10 मिनट्स और 5 to 7 मिनट्स, देन ड्राई हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसको पील ऑफ करना होता है। उसके बाद में स्टेन पता है कैसा आता है, पैची, बहुत ज़्यादा पैची स्टेन आता है आपको, एकदम जो इक्वल जो टोन होती है ना लिप्स पे वैसे नहीं देता है। तो कौन इतनी मेहनत करेगा, वो भी इतने चीप प्रोडक्ट के लिए, नहीं मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत गंदा है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है बहुत अच्छे ब्रांड से, वो है ये L'Oreal Paris की वाइट परफेक्ट मैजिक वाइट डबल वाइटनिंग फेस क्रीम। अगर आपने मेरा रिसेंटली नायका हॉल देखा होगा तो उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था। नाउ बेसिकली इसके अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 800-900 रुपीज़ का। आई गिव यू द एग्जैक्ट जो डिटेल्स है वो तो स्क्रीन पे या कहीं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ये जो ट्यूब है ये कुछ इस तरीके की दिखती है, इसका प्राइस है अराउंड 800-900 रुपीज़। आई एम दैट श्योर 15 ml की क्वांटिटी मिलती है। इसका काम क्या है, कुछ नहीं करती है बेसिकली, इट इज़ अ डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए। लेकिन आपको पता है इसका जो काला जादू है वो क्या है, ये इंस्टेंटली आपके यू नो अंडर आई एरिया को ब्राइटन करती है। लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल यू नो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाओ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं लेकिन उसके बाद में दोबारा से गई भैंस पानी में, तो वापस आपके काले यू नो पैंडाज आई जो होती हैं, जो आपके काले घेरे होते हैं वो वापस से जाग जाते हैं, उनको पुनर्जन्म मिल जाता है। तो आप क्यों खरीदोगे कुछ एक 800-900 रुपये का ऐसा प्रोडक्ट जो 2 सेकेंड के लिए आपका काम करे उसके बाद में वैसा का वैसा हो जाए। सो ये वाली चीज़ भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो लास्ट है आई गेस, वो है ये वेला प्रोफेशनल की तरफ से बैलेंस ट्रीटमेंट फॉर सेंसिटिव स्कैल्प। ये भी है अराउंड 600 रुपये का और इसका जो प्राइस है वो है 150 ml, सॉरी 600 रुपीज़ का है, 600 रुपीज़ का है, 150 ml। इसको मैंने यूज़ किया था, नॉट मी, मेरे ब्रदर ने इसको यूज़ किया हुआ है अपनी स्कैल्प के लिए। इट डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। मतलब अगर आप 600 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो कोई एक हेयर के प्रोडक्ट में, मतलब देखा जाए तो लोग अफोर्डेबल की तरफ भागते हैं, बट 600 रुपीज़ इज ऑल्सो समथिंग कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। उसके बाद में भी इफ़ यू सी नो रिजल्ट देन ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है। शैम्पू के साथ में भी ट्राई किया, उसके बाद में भी देर आर नो रिजल्ट, आई डोंट नो ये प्रोडक्ट रिजल्ट दिखाएगा भी या नहीं। सो ये वाली सारी चीज़ें थी। एंड यस, विद दिस आई फिनिश माय टुडेस वीडियो, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। एक और चीज़, सॉरी ओके सो ये बहुत ही लोकल चीज़ है, आई एम नॉट श्योर आपको ऑनलाइन मिलेगी या नहीं। सो दिस इज बेस्ट क्वालिटी, आई डोंट नो, दीज आर कॉटन पैंट्स, इनकी क्वालिटी इतनी वाहियत है। आई एम श्योर ये मैंने खरीदे भी अराउंड 80-90 रुपीज़ के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही कचरा है। ये आपके फेस पे ना दाने दाने होते हैं ना, वैसे चुभने लग जाएगा आपको। तो
तो जब से मैंने लिया है आई हैव नॉट बीन यूजिंग इट. एक दो बार यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा हार्श है मेरी स्किन पे. अब देखोगे ये बहुत ही गंदी क्वालिटी का है, ज़रा भी अच्छा नहीं है. अब बस ऐसी पैकेजिंग देख लेना, अगर आपको ऐसा कहीं पे मिले तो डोंट बाय इट एट ऑल. बहुत ही गंदा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी इसको यूज़ करने से. एंड यस, अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो भी थी. और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे लोग नहीं अग्री करेंगे. बट सी, मेरे स्किन टाइप के लिए ये वाली सारी चीज़ें काम नहीं करी, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ. चीज़ें अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. और अगर आप ड्राई स्किन टाइप कैटेगरी से आते हैं तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो. और या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको करना है इस वीडियो को लाइक. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो. 2018 भी आ चुका है, सब कुछ हो गया, अब तो कर लो, सब्सक्राइब कर लेना. साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल बटन को, ताकि आपको ऐसे मेरी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई शैल सी यू सुपर सुपर सून विद माय न्यू वीडियो. टिल द टाइम टेक केयर, बाय.